everyone, welcome back to Creative Edge channel. So today we will discuss about how to draw emotions with lines and color. Okay, so this is the one of the important topic for any design exam, जिसमें हमें हमारे emotions को, हमारी situations को या फिर हमारी personality भी बोल सकते हैं, इस तरीके के questions भी आ चुके हैं और इन्हें हम lines, shapes and color के through depict करते हैं. So there are some tips and tricks to draw emotions with lines. So अलग अलग shapes and lines का मतलब होता है. So curve lines के बारे में समझते हैं. Curve lines are soft flowing lines, can create a sense of movement and grace, often evoking emotions like happiness, serenity or even love. Angular lines are sharp, jagged lines. Can convey tension, aggression or chaos, making them perfect for expressing feelings like anger or fear. Shapes, the shapes you use in your artwork can also communicate emotion. For example, rounded shapes tend to feel more comforting and peaceful, while angular shapes can feel more aggressive and unsettling. ओके, सो कुछ इस तरीके से हमें पहले स्टडी करनी होगी कि लाइंस एंड शेप्स का क्या डिपिक्शंस रहता है. सो यहाँ पर मैं कुछ लाइंस के थ्रू इमोशंस क्रिएट करने वाली हूँ और ये आप सभी को बताना है कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो टेक्सचर है, ये कौन सा इमोशन डिपिक कर रहा है. ओके, यहाँ पर मैं आपको कलर के थ्रू भी बताऊंगी कि हम इस इमोशन के लिए याला कलर यूज कर सकते हैं. सो टायर्ड के लिए हम कुछ इस तरीके से लाइंस क्रिएट कर सकते हैं. बिल्कुल कंफ्यूजिंग लाइंस नहीं है, इतना डिटेलिंग में भी नहीं है, ज्यादा होश-पोश भी नहीं हो रहा है. बट जब पर्सन टायर्ड होता है तो कुछ इस तरीके से हम टेक्सचर के थ्रू, लाइंस के थ्रू उस पर्सन का इमोशन बता सकते हैं. ये जो राउंड आप टेक्सचर देख रहे हैं, ये स्लीपी वाला टेक्सचर है. जब पर्सन टायर्ड रहता है तो ही और शी नीड्स रेस्ट. नेक्स्ट इमोशन में आते हैं. अब ये जो इमोशन आप देख रहे हैं, टेक्सचर देख रहे हैं, इसमें लाइंस काफी रफ क्रिएट हो रही है, रिजिड क्रिएट हो रही है और एक दूसरे को बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रही है. इस तरीके का जो टेक्सचर रहता है, ये किसी ऐसे इमोशन का रहता है जो नेगेटिव हो. सो ये जो टेक्सचर है, स्ट्रेस का टेक्सचर रहता है. इसमें हम ग्रे कलर के थ्रू स्ट्रेस को डिपिक्ट करेंगे. एकदम डार्क ब्लैक में हमें नहीं जाना है. यूज ग्रे कलर फॉर स्ट्रेस. So let's come on the third emotion. अब ये जो emotion है, इसमें कुछ corners नहीं है. आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बहुत ज्यादा overlapping हो रही है, बहुत ज्यादा होच-पोच हो रहा है. So stress से भी ज्यादा एक हमारा emotion होता है जो frustrated person का होता है. यदि कोई person frustration में है, so lines और उसके जो इमोशन रहते हैं वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं और क्रॉस करते हैं. सो जो फ्रस्ट्रेशन का कलर हम डिपिक्ट करेंगे वो डार्क रेड एंड ग्रे से करेंगे. ओके, तो कुछ इस तरीके से हम फ्रस्ट्रेशन को डिपिक्ट कर सकते हैं कलर के थ्रू. नेक्स्ट इमोशन में आते हैं. नेक्स्ट इमोशन में यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ना कर्व लाइन से ना क्रॉस लाइन से, यहाँ पर हम डायगोनल लाइन यूज कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं.
सो ये स्ट्रेट लाइंस पॉजिटिव के लिए होता है. सो गुड के लिए हम स्ट्रेट लाइंस यूज करेंगे एंड ऑल्सो गुड के लिए हम ग्रीन कलर से गुड को डिपिक्ट करेंगे. सो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हम वीवी लाइन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट कर रहे हैं. सो ये वाला जो लाइन होता है ये काम के लिए होता है. हम यदि हमारा हम उस स्टेटस में है जब हम काम फील कर रहे हैं तो हम हमारे लिए कुछ इस तरीके की लाइंस डिपिक्ट कर सकते हैं. ओके, इवन आपकी पर्सनालिटी ऐसा है कि आप काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, सो आप अपनी पर्सनालिटी के लिए कुछ इस तरीके की लाइंस को डिपिक्ट कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग ब्लू कलर फॉर काम. ओके, सो अगेन यहाँ पर हम कर्व लाइंस यूज कर रहे हैं, बट आपने यदि नोटिस किया होगा सो कर्व लाइन के साथ में हम राउंडेड लाइंस भी यूज कर रहे हैं, कुछ जलेबी टाइप. सो ये वाला जो टेक्सचर रहता है या फिर लाइंस रहता है, हम इसे स्लीपी पर्सन के लिए क्रिएट करते हैं, क्योंकि पर्सन का दिमाग और माइंड वहीं कहीं घूमता रहता है, क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिलता है. शी और ही नीड्स स्लीप. सो इसके लिए हम पर्पल कलर से इसे डिपिक कर सकते हैं. यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास शेड नहीं है, सो यू कैन यूज बोथ कलर्स. ऐसे कोई दो कलर यूज कर सकते हैं जिससे हम थर्ड कलर को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो हमारा जो सेवेंथ यहाँ पर इमोशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो सेवेंथ वाला जो हमारा टेक्सचर है और लाइंस है, ये हैप्पीनेस डिपिक्ट कर रहा है. जब भी हम येलो कलर देखते हैं या यूज करते हैं, सो पर्सन को ये हैप्पी दिखाता है. ओके, सो यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारा इमोशन है, ये आप सभी के लिए चैलेंज है. ये आप सभी को गेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये कौन से वाले टेक्सचर और इमोशंस में वर्क कर रही हूँ. सो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है और आपको समझना है. यहाँ पर इवन मैंने आप लोगों के समझने के लिए कलर भी यूज किया है. सो रेड कलर मैं यूज कर रही हूँ. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन. किस तरीके से हम इमोशंस को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से टेक्सचर और इमोशंस पे वर्क कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो.